गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सम मॉडल ऑक्सिलरीज, है ना। इस चीज़ को समझिएगा, कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरीज का। एक्चुअल में देखा जाए तो ऑक्सिलरीज क्या होती हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो ऑक्सिलरीज ये एक प्रकार की आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। ये क्या होती हैं, एच भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, है ना। और ऑक्सिलरी वैसे आपकी टू टाइप्स की होती है ना। एक होता है आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, है ना। और जो दूसरा होता है वो होता आपका सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा क्या होता है आपका, सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है ना। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसी सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब को ही मोडल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मोडल्स, या इसी को कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। चाहे आप मोडल्स कहो और चाहे क्या कहो, मॉडल ऑक्सिलरी कह दो, दोनों सही है ना। चाहे आप मोडल्स कहो और चाहे आप क्या कह दो, मॉडल ऑक्सिलरी कहो, इतना क्लियर है ना। इसके बाद में देखिए, अब प्रश्न आता है कि इसमें आता क्या है, है ना। अच्छा हाँ, बात किया जाए प्राइमरी ऑक्सिलरीज, तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज को थ्री पार्ट में कैटेगराइज किया गया। एक है आपका वर्ब टू बी है ना, वर्ब टू बी है। और दूसरा है आपका वर्ब टू डू है। और जो तीसरा है आपका वो है वर्ब टू हैव, है ना। तीन है आपके, है ना। वर्ब टू बी में आता है आपका क्या क्या आता है, देखिए, इज आता है, एम आता है, आर आता है, वाज आता है और वर आती है। ये वर्ब टू बी में आती है। वर्ब टू डू में क्या आता है आपका, डू, डज और डिड आता है, है ना। और वर्ब टू हैव में हैव फैमिली का आता है, मीन्स हैव आता है, हैज आता है और हैड आता है। क्लियर है ना। लेकिन बात किया जाए ये सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब इसमें कौन कौन आते हैं, तो सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब जिन्हें मॉडल्स भी कहते हैं, है ना। तो इस सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब में आपका आता है कैन आता है, और कैन का पास्ट कुड आता है ना। मे आता है, और मे का पास्ट आपका माइट आता है, है ना। सेल आता है, और सेल का पास्ट आपका आता है सुड आता है, सुड, है ना। और आपका बिल आता है, और बिल का पास्ट आता है वुड आता है, है ना। ये चीज़ें होती हैं, यानी कि कैन का पास्ट कुड, मे का पास्ट माइट, सेल का पास्ट सुड, बिल का पास्ट वुड, है ना। और इसके साथ में और क्या आती हैं, नीड टू, है ना, यूज्ड टू, नीड टू, यूज्ड टू और एक डेयर। जनरली ये जो हैं आपकी 13 हैं जो कि मॉडल्स के फॉर्म में आती है, इतना क्लियर है ना। अब हम लोग इन्हीं के बारे में देखेंगे, यानी कि आज हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी पर डिस्कस नहीं करने वाले, टॉपिक ये है मॉडल ऑक्सिलरी पर डिस्कस करने वाले, है ना। तो आई आते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज या मॉडल्स पर। सबसे पहले लिया जाए कैन, और देखते हैं कैन का यूज कहाँ पर होता है, कैसे होता है, है ना। तो देखिएगा इसको यहाँ से ऐसे समझिए, ये जो कैन है, पहला नंबर तो ये याद रखिए कि कैन का जो नॉर्मली सेंस होता है वो क्या होता है, है ना। तो कैन का जो नॉर्मली सेंस होता है, थोड़ा इससे आइडिया रहेगा आपको हिंदी में, सकता है, है ना, सकती है, सकते हैं, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ, है ना, ध्यान दीजिएगा, सकता हूँ और सकती हूँ। मतलब नॉर्मली जो है कैन का मतलब ये होता है, क्या होता है, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ, सकती। अब प्रश्न आता है इसका यूज कहाँ पर होता है, है ना। तो देखिए
इसका यूज कहाँ होता है? तो जो सबसे पहला यूज है ना, एबिलिटी के लिए किया जाता है इसका यूज। जब एबिलिटी की बात हो, है ना, तब एबिलिटी मीन्स जब योग्यता की बात हो, है ना, जब योग्यता की बात हो तो वहां पर आपको कैन का यूज करना है। जैसे अगर हम कहें वो 100 किलोग्राम उठा सकता है, अगर बात करें वो 100 किलोग्राम उठा सकता है, तो आप इसकी इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ही, आप क्या बोलेंगे? यहीं पर समझा दिया जा रहा है ना, आप बोलेंगे ही कैन, या जो है देखिए, वह 100 किलोग्राम उठा सकता है, ही कैन लिफ्ट, लिफ्ट है ना, लिफ्ट मतलब उठाना, 100 kg मतलब किलोग्राम, वह 100 किलोग्राम उठा सकता है, मतलब उसकी ये एबिलिटी है, योग्यता है ना। अगर हम कहें वह बहुत तेज दौड़ सकती है, तो क्या हो जाएगा? सी कैन रन फास्ट, नहीं, सी कैन रन वेरी फास्ट, है ना। तो ये चीज एक लिख दिया गया है ना, बाकी बोल दिया जा रहा है, क्लियर है ना। अब दूसरा देखिए, एक चीज और ध्यान दें, अब कैन का यूज जैसे योग्यता एबिलिटी होती है, वैसा वैसे कैपेसिटी के लिए किया जाता है। कैन का यूज जो है कैपेसिटी के लिए किया जाता है। कैपेसिटी का मतलब ध्यान देना, ये कैपेसिटी का मतलब क्षमता होता है ना। लेकिन वो कैपेसिटी कौन सी कैपेसिटी की बात हो रही? कि जैसे मान लीजिए कोई बोतल है, कोई बोतल है, उसमें कितना मिल्क आने की कैपेसिटी है, वो वाली कैपेसिटी। एक्चुअल में देखा जाए एबिलिटी कैपेसिटी दोनों, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग सेंस में लिया जा रहा है ना। अलग सेंस का मतलब जैसे हम कहें मैं शराब की या 2 बोतल शराब पी सकता हूँ, मतलब मेरे अंदर ये कैपेसिटी है, 2 बोतल शराब पी सकता हूँ, है ना। ध्यान देना यहाँ पर, ये कैपेसिटी होती है। देखिए ये एबिलिटी तो सबके अंदर है ना, लेकिन एक कैपेसिटी होती पचाने की भी। ध्यान देना, कैपेसिटी एबिलिटी थोड़ा सा डिफरेंस भी है। तो जैसे हमने कहा मैं 2 बोतल शराब पी सकता हूँ, है ना, या मान लीजिए कह दिया जाए कुछ भी ऐसे कह दिया जाए, बॉटल जो है 10 लीटर पानी आ सकता है, बॉटल में 10 लीटर पानी आ सकता है, मतलब बॉटल में 10 लीटर पानी समा सकता है। यानी कि इसको अगर इंग्लिश में आप बोलेंगे तो क्या होगा? द बॉटल कंटेन, है ना, मतलब समा सकता है या आ सकता है बॉटल में, सॉरी यहाँ पर कैन लगा देना, है ना, द बॉटल कैन कंटेन, मतलब बॉटल कंटेन कर सकता है, रख सकता है, बॉटल में समा सकता है, क्या? 10 लीटर पानी, यानी कि आप आगे क्या कह दीजिए? 10 लीटर वाटर, 10 लीटर वाटर। इतना समझ में आया? अगर हम कहें मैं, अभी बता ही गए थे, मैं 2 बोतल शराब पी सकता हूँ, यानी कि आई कैन ड्रिंक 2 बॉटल्स ऑफ वाइन, क्या हो जाएगा? आई कैन ड्रिंक 2 बोटल्स ऑफ वाइन। इतना समझ में आया? तो पहला यूज किसके लिए? एबिलिटी के लिए, है ना। एबिलिटी मतलब जैसे वो 100 किलोग्राम उठा सकता है, ही कैन लिफ्ट 100 kg, या वह बहुत तेज दौड़ सकती है, सी कैन रन वेरी फास्ट। और दूसरा यूज क्या है? कैपेसिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए मीन्स क्षमता के लिए। जैसे बॉटल में 10 लीटर पानी आ सकता है, तो द बॉटल कैन कंटेन 10 लीटर वाटर। कह दिया जाए वह 2 लीटर दूध पी सकती है ना, तो क्या हो जाएगा? सी कैन ड्रिंक द मिल्क, या सी कैन ड्रिंक 2 बॉटल्स ऑफ मिल्क, यहाँ से बोलेंगे सी कैन ड्रिंक 2 बॉटल्स ऑफ मिल्क, वह 2 बोतल दूध पी सकती है, या 2 लीटर अगर है तो, वो डिपेंड करेगा जो रहेगा उसे। समझ में आया दो यूज? अब देखिए, और कैन का यूज जो नेक्स्ट यूज होता है वो पावर के लिए होता है आपका। पावर के लिए, पावर मीन्स होता है शक्ति, पावर मीन्स क्या होता है? शक्ति, सामर्थ्य, है ना। कैन का यूज पावर के लिए किया जाता है ना। जैसे
मैं तुम्हें सजा दे सकता हूँ, कहीं ना कहीं मेरे पास पावर होगी। अगर आप क्लास में मॉनिटर हैं तो मॉनिटरिंग की एक पावर है, अगर आप टीचर हैं तो एज अ टीचर, यानी वही चीज़ पावर के लिए। जैसे मैं तुम्हें सजा दे सकता हूँ, यानी क्या हो जाएगा, आई कैन पनिश यू, आई कैन पनिश, पनिश मीन्स सजा देना, आई कैन पनिश यू, मैं तुम्हें सजा दे सकता हूँ, है ना। जैसे कहा जाए मैं स्टेडियम में उन लोगों को ला सकता हूँ, जैसे वो लोग नहीं आ रहे हैं, उन लोगों को मैं स्टेडियम में ला सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पावर। हो सकता है वो बंदा मतलब उन ग्रुप में से, उन ग्रुप ऑफ मेंबर्स में से कैप्टन हो, कप्तान हो, है ना, तो पावर तो है ही, कप्तान का कहना तो सारे प्लेयर्स मानते ही हैं, है ना, तो ये पावर के लिए होता है। समझ में आया। जैसे मैं उन लोगों को स्टेडियम में ला सकता हूँ, आई कैन ब्रिंग देम इन द स्टेडियम। समझ में आया। अगला ध्यान देना, नेक्स्ट यूज जो है, कैन का यूज होता है परमिशन के लिए होता है, किसके लिए होता है, परमिशन के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर इनफॉर्मल परमिशन के लिए होता है ना, फॉर्मल नहीं, है ना, इनफॉर्मली परमिशन के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ, अगर आप फॉर्मली बोलेंगे तो कल बताया गया था मे आई टेक योर पेन या मे आई बोरो योर पेन प्लीज, लेकिन यहाँ कैन का यूज परमिशन के लिए किया जाता है, लेकिन किस सेंस में, इनफॉर्मली सेंस में, जब इनफॉर्मली बात हो तब किया जाता है। तो यहाँ पर क्या मैं तुम्हारी पेन ले सकता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, कैन आई टेक, कैन आई टेक योर पेन। अब यहाँ प्लीज वगैरह की नीड नहीं, आप लगा सकते हैं, डोंट वरी, लेकिन इनफॉर्मली के लिए क्या होता है, कैन का यूज किया जाता है परमिशन के लिए। समझ में आया। जैसे अगर कहा जाए तुम ट्रिप के लिए, मतलब घूमने के लिए, यात्रा पर, ट्रैवलिंग पर मेरी कार ले जा सकते हो, यानी कि यहाँ भी क्या दिया जा रहा है, परमिशन ही दिया जा रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फॉर्मली नहीं, इनफॉर्मली सेंस में। तो यू कैन टेक माई कार, यू कैन टेक, तुम ले जा सकते हो माई कार, मेरी कार, फॉर द ट्रिप, टी आर आई पी, ट्रिप का मतलब यात्रा के लिए, घूमने के लिए, ऐसे जो ट्रैवलिंग करने के लिए, है ना, तो यू कैन टेक माई कार फॉर द ट्रिप। समझ में आया। तो परमिशन के लिए होता है, हाँ ये भाई प्रेजेंट का तो है ही, सकता है, सकती है, है ना, तो परमिशन के लिए हो गया, इतना समझ में आया। लेकिन परमिशन कैसा होगा, इनफॉर्मल, अगर इनफॉर्मल होगा तो मे लगा देना, खैर मे का भी प्रयोग बताया जाएगा, लेकिन अभी कैन का चल रहा है। अब देखिए नेक्स्ट जो यूज है, कैन का यूज प्रोहिबिशन के लिए किया जाता है। कैन का यूज किसके लिए किया जाता है, प्रोहिबिशन के लिए, जब कोई चीज मना करना हो, यानी कि निषेध के लिए, मना करने के सेंस में, प्रोहिबिशन के सेंस में। जैसे तुम मंदिर में धूम्रपान नहीं ले सकते हो, धूम्रपान नहीं पी सकते हो, तुम मंदिर में सिगरेट नहीं पी सकते हो, है ना, यहां देखिएगा, तो प्रोहिबिशन के लिए। जैसे तुम मंदिर में थूक नहीं सकते हो, भाई वहां ये मना है, है ना, तो वहां पर क्या हो जाएगा, यू कैन नॉट या यू कांट, है ना, कैन नॉट का कंट्रैक्टिव फॉर्म, है ना, यू कांट स्पिट, स्पिट मतलब होता है थूकना, इन द टेम्पल, यू कांट स्पिट इन द टेम्पल, मतलब तुम मंदिर में थूक नहीं सकते हो, है ना, यहाँ प्रोहिबिशन किया जा रहा है। वे स्कूल के आसपास, वे लोग स्कूल के आसपास अल्कोहल नहीं ले सकते हैं, शराब नहीं पी सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, दे कैन नॉट ड्रिंक अल्कोहल या दे कैन नॉट टेक अल्कोहल नियर द स्कूल प्रेमिसेस, है, नियर द स्कूल, वो स्कूल के आसपास कांट ड्रिंक अल्कोहल, अल्कोहल नहीं ले सकते हैं, है ना, इतना क्लियर। और देखिए कैन का यूज रिक्वेस्ट के भी सेंस में किया जाता है, कैन का यूज रिक्वेस्ट के भी सेंस में किया जाता है, रिक्वेस्ट का मतलब विनती करना, अनुरोध करना, है ना, रिक्वेस्ट के सेंस में किया जाता है। जैसे
हम कहें क्या आप कॉफ़ी ले सकते हैं प्लीज, है ना, क्या आप कॉफ़ी ले सकते हैं प्लीज, यानी कि रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि कैन यू प्लीज, है ना, कैन यू प्लीज, या आप ऐसे कह सकते हैं कि आप मेरे लिए एक गिलास कॉफ़ी ले आ सकते हैं, है ना। तो कैन यू या क्या आप मुझे एक गिलास कॉफ़ी दे सकते हैं प्लीज, तो कैन यू गिव मी अ कप ऑफ कॉफ़ी, कैन यू गिव मी अ कप ऑफ कॉफ़ी, क्या आप मुझे एक कप कॉफ़ी दे सकते हैं प्लीज, यानी कैन यू प्लीज गिव मी अ कप ऑफ कॉफ़ी। लास्ट में क्वेश्चन वर्ड लगा देना, चूंकि रिक्वेस्ट के साथ में वो क्वेश्चन भी कर रहा है, आपसे पूछ भी रहा है, है ना। जैसे क्या आप मुझे अपनी पेन दे सकते हैं, तो कैन यू गिव मी या कैन यू प्लीज गिव मी योर पेन, क्या हो जाएगा, कैन यू प्लीज गिव मी योर पेन, योर पेन। इतना समझ में आया। ये देखिए कैन का यूज है, पहला यूज है योग्यता या एबिलिटी के लिए, जैसे वो 100 किलोग्राम उठा सकता है, मीन्स ही कैन लिफ्ट 100 kg, है ना, वो बहुत तेज भाग सकती है, दौड़ सकती है ना। तो सी कैन रन वेरी फास्ट, लेकिन आप ध्यान देना कैपेसिटी के लिए, योग्यता के लिए। जैसे यहाँ लिखा गया है बॉटल 10 लीटर पानी रख सकता है, मतलब बॉटल में 10 लीटर पानी आ सकता है, समा सकता है, है ना। तो द बॉटल कैन कंटेन 10 लीटर वाटर, इतना क्लियर हुआ। या आपको मान लीजिए कहना है कि मैं 10 लीटर दारू पी सकता हूँ, है ना, या 10 बोतल शराब पी सकता हूँ, यानी कि आई कैन ड्रिंक, है ना, द 10 बोटल्स ऑफ वाइन, भाई 10 बोटल शराब पीने का मतलब आपके अंदर कैपेसिटी है उस चीज को डाइजेस्ट करने, है ना। चलिए ठीक है, बाकी कहने की एबिलिटी तो सबके पास है, मैं पी सकता हूँ, लेकिन कैपेसिटी भी होना चाहिए, है ना। अगला देखिए पावर, पावर मतलब शक्ति के सेंस में, जैसे मैं तुम्हें सजा दे सकता हूँ, आई कैन पनिश यू, यानी कि आपके पास पावर है ना। या जैसे कह दिया जाए मैं स्टेडियम में उन लोगों को ला सकता हूँ जो घूम रहे हैं, उन लोगों को स्टेडियम में ला सकता हूँ, यानी कुछ ना कुछ पावर होगा तभी आप ऐसा कह रहे हैं, तो आई कैन ब्रिंग देम इन द स्टेडियम। तीसरा परमिशन के लिए, वो भी इनफॉर्मल, जैसे क्या मैं तुम्हारी पेन ले सकता हूँ, कैन आई टेक योर पेन, कैन आई टेक योर पेन, है ना। तुम उसकी साइकिल, तुम यात्रा के लिए ट्रिप पर जाने के लिए उसकी साइकिल ले जा सकते हो, यू कैन टेक, है ना, हिज साइकिल या हर साइकिल फॉर द ट्रिप। अगला प्रोहिबिशन मतलब निषेध, जब मना करने की बात हो तब, है ना, जैसे तुम मंदिर में नहीं थूक सकते हो, यू कांट या यू कैन नॉट स्पिट इन द टेम्पल, तुम मंदिर में थूक नहीं सकते हो। रिक्वेस्ट के लिए, अनुरोध के लिए, जैसे कैन यू प्लीज गिव मी अ कप ऑफ कॉफी, क्या आप मुझे एक कॉफी दे सकते हैं, क्लियर है ना। तो ये रिक्वेस्ट के लिए होता है, है ना, कैन यू गिव मी, कैन यू प्लीज गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे कृपया अपना पेन दे सकते हैं, यानी कि कैन यू प्लीज गिव मी योर पेन, समझ में आया। तो ये आपका था कैन का यूज, यानी कि मॉडल्स में आपने क्या देखा, कैन का यूज, है ना। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और फ्रेंड्स अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, इसके साथ में कमेंट करिए और बताइए अगर आपकी कोई क्वेरी है तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।